वानिश टोस्ट, मैंने तुमको यूट्यूब में देखा ना रोस्टिंग करते हो, सच में मेरे दिल की घंटी बज गई, ऐसे बजी कि बस मेरे मेरे मन से शायरी आ गई और मैं यूट्यूब में आ गया तुम्हारे लिए वीडियो लेके और तुम्हारे लिए शायरी लेके। तो शायरी अच्छी लगे तो वाह वाह जरूर करना और अभी इरशाद करो क्योंकि शायरी सुनाने जा रहा हूँ। अर्ज किया है, तुम दिखती हो ऐसे जैसे रात में घूमता हो घोस्ट, तुम दिखती हो ऐसे जैसे रात में घूमता हो घोस्ट, जब से YouTube में है मैंने तुमको देखा, दिल की घंटी बज चुकी है वानिस टोस्ट। नहीं नहीं शायरी में चाहे जितनी भी घटिया हो, लेकिन तुमने जो बेरोजगार की मतलब रोस्ट करी थी उसको, तो उससे घटिया नहीं हो सकती। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल रोस्ट जिगर में। तो भैया आज मैं एक ऐसी लड़की के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ऐसी पापा की परी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मतलब अपने आप को रोस्ट कहती है, मतलब कहती है वो है भी, मतलब हमसे तो ज्यादा ही है अभी है वो, बहुत ज्यादा ही मतलब रोस्ट, उसके अंदर रोस्टिंग का कीड़ा भरा है। लेकिन वो रोस्ट करने जाती है, रोस्ट करवाने जाती है, मुझको नहीं पता। देखिए जब से मैंने उसका वीडियो देखा ना, तो मेरे मन में दिल की अरमान जाग गया है कि भैया इसको रोस्ट करना है तो करना। मैं आज इसके ऊपर रोस्ट करने ही वाला नहीं था, मैं आज टिकटॉक के ऊपर रोस्ट करने वाला था, लेकिन जब से इसको यूट्यूब में देख लिया ना, तो मेरे अंदर चुल मच चुकी है कि इसको रोस्ट करे बिना मानना नहीं है। वानिश तुम बुरा मत मानना, तुम बहुत अच्छी लगती हो, मेरे दिल की घंटी बज चुकी है, लेकिन फिर भी तुम्हारा वो वीडियो देख के ना जो तुमने बेरोजगार को रोस्ट किया था, मतलब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। और हाँ वानिश, तुम ये वीडियो देख रही हो ना, तुम लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारा तुम जो काम कर रही हो ना, उससे तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो ही नहीं सकता। इसलिए अभी भैया जो लास्ट में आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी दूंगा, सही में पते की जानकारी दूंगा, ऐसे ऊट पटांग की बातें नहीं करूंगा, पते की जानकारी दूंगा। लास्ट तक वीडियो देखना तुम भी और तुम सब भी, और सालों सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बेरोजगार अपनी बेरोजगारी में YouTube लाइव कर रहा था, मैं ठहरी बेरोजगार इंटू 100 हो गया। जैसे ही YouTube खोला सामने उनका लाइव दिखा, मैं पहुंच गई लाइव पे, और जैसे ही लाइव खोली सबसे पहला चीज ओपन चैलेंज कि जो भी उनको रोस्ट करेगा वो उनके साथ कोलैब करेंगे, लाइक ही विल सिलेक्ट वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एंड ही वुड कोलैब विद दैट पर्सन। तो अब इससे अच्छा मौका मुझे तो नहीं मिल सकता, तो बस इसके बाद मैं सोची कि कुछ करते हैं। तुमको दिखा बेरोजगार का लाइव दिखा और तुम बेरोजगार के लाइव में चली गई, उसने चैलेंज दिया सबको कि उसको कोई रोस्ट करके दिया, मतलब और तुमने YouTube में अपना वीडियो बनाया उसको रोस्ट करके, मतलब जब हमने ये तुम्हारा ये वीडियो भी पूरा देखेंगे, पूरे वीडियो के बारे में बात करेंगे, अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे कि आपने क्या रोस्ट किया, मतलब रोस्ट किया है या करवाया है, ये तो अब वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मतलब तुम गई उसके लाइव में और तुमने चैलेंज एक्सेप्ट किया और रोस्ट क्या किया, चलो रोस्ट क्या किया वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। चलो वीडियो इसका शुरुआत करते हैं, बस उसके बाद से मेरी कोशिश जारी है, चैलेंज एक्सेप्टेड। नहीं नहीं, यहाँ पॉइंट एक बात करना, इसने क्या बोला है अभी भी, यहाँ क्या बोला इसने कि जो भी रोस्ट, मतलब वो भोसड़ी वाला क्या नाम था, बेरोजगार ने बोला कि जो भी उसको रोस्ट करेगा उसके साथ कोलैब करेगा, तो इन बहनजी ने मतलब रोस्ट करा, तो मतलब ये पॉइंट नोट कर लो, आगे काम आने वाला है, पॉइंट नोट कर लेना। जो मैं कैसे प्राणी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो रोस्टिंग कम कमेंट्री ज्यादा करते, कोई इस भाई साहब को समझाओ कि रोस्टिंग और कमेंट्री में एक फाइन लाइन होती है, इनको इस बात की कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा अच्छा, तुमको बहुत पता है कि रोस्टिंग और कमेंट्री में फाइन लाइन होती है, हमको तो पता ही नहीं है कि ऐसा होता है ना, हमको तो पता ही नहीं, हम तो लंडूरस बाबा हैं, हमको तो ये पता ही नहीं है। और वो बेरोजगार इतने 10 लाख मतलब जितने भी सब्सक्राइबर उसके हों, 2-3 लाख जितने भी हों साले के, हमें नहीं पता, लेकिन उसको तो पता नहीं, फिर भी इतना पता नहीं सब्सक्राइबर कैसे लेके। तुम समझा दो जाके यार, कुछ समझा दो जाके उसको कि मतलब कोई लाइन होती है, मतलब लाइन होती है, मतलब 1000 सब्सक्राइबर लेके इतनी चौड़, मतलब 1 लाख वाले को तुम 1000 सब्सक्राइबर से बता रही हो कि लाइन होती है। बस ठीक है, अगर ये बेरोजगार ने ये वीडियो इसका देख लिया तो कसम से हाँ सच के मर जाएगा साला, लाइन बता रही है। समझ आया था कि अगर आपको इतनी ही ज्यादा टिप्पणी करनी थी तो टिप्पणी चैनल पर खोल लेते ना, रोस्टिंग के नाम पे सबको क्या इतना पागल बना रहे हो। लोग पागल बन रहे तो बना रहा है वो, उसमें कोई खास वाली बात नहीं है, रोस्टरों का तो काम होता है लोगों का चूतिया काटना, तो वो काट रहा है। अब तुम भी रोस्टर हो, तुम भी लोगों का चूतिया ही तो काट रही हो ना, अब तुम्हें इसे ज्ञान दे रही हो, इतनी ज्ञान की चोरी होती तो मतलब तुम्हारे चैनल भी 1-2 लाख सब्सक्राइबर होते ना। देखो वानिश, मैं तुमको एक सिंपल से बात बताता हूँ यार, देखो ज्ञान की बकचोदी पहनना ना सबको आता है, और उसको खुद में ही अप्लाई करना बहुत बड़ी बात है, और मेरी बातों का बुरा मत मानना और दिल से मत लगाना। देखो दिल में तुम मेरे बस चुकी हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरी
बन जाओ GF EF यार, तो मतलब मेरी लाइफ सेटल हो जाए। लेकिन फिर भी तुमको मतलब अब लाइफ में अपने साथ रखना है तो कुछ बता, नॉलेज देनी पड़ेगी ना। देखो वानिश, बुरा मत मानना मेरी बात, तो कि मैं ऐसा ही हूँ कि मतलब कोई अगर खोल के दे देता है ना कि लो मेरी मारो, तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ। मेरे अंदर भी वो चुल्ल मच जाती है मारने की, तो क्या करूँ, मजबूर हूँ। और तो और इतनी ज्यादा टिप्पणी करने का आपको शौक कहाँ से है ये बताइए। कॉन्ट्रोवर्सी, फेम। हाँ कॉन्ट्रोवर्सी करता है वो, फेम कमाना चाहता है। बिल्कुल फेम आप भी कमाना चाहती है तभी ना उसके उसको रोस्ट कर रही हो, नहीं तो ऐसे थोड़ा रोस्ट करती है। आप भी फेम कमाना चाहती है, आप भी उसके साथ कोलैब करना चाहती है, तो मतलब होता है, आपके अंदर भी है उसके अंदर भी है, तो उसको बकचोदी की बातें क्यों बताना। मतलब सुंदर तो तुम बहुत हो, सुशील भी बहुत लग रही हो, लेकिन फिर भी यहाँ से थोड़ी हटी हो। सॉरी। व्यूज के लिए कभी पॉलिटिकल कार्ड खेल लो, कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लो। अब देखो व्यूज के लिए काम करना गलत नहीं है, पर सिर्फ व्यूज के लिए काम करना गलत नहीं। नहीं, नहीं गजब भाई, तालियां हो जाए इसी गजब। मतलब इतनी संस्कारी बातें आप कर लेती है, हमको तो पता ही नहीं था। मतलब व्यूज के लिए काम करना मतलब गलत नहीं है, लेकिन व्यूज ही के लिए काम करना गलत है। नहीं भैया, तुम करो ऐसा, भैया तुमको व्यूज नहीं चाहिए मत करो, लेकिन हमको व्यूज चाहिए, हमें लोगों को चूतिया बनाना अच्छा लगता है, तो हम भैया कैसे भी करके रोस्टर का काम क्या होता है, चूतिया बनाना, तो हम लोग वही करते हैं, हम लोग चूतिया बनाते। भैया तुमको ज्यादा लगी पड़ी है व्यूज कम लाने की, तो भैया तुम लाओ, हम तो करेंगे, हम तो व्यूज कैसे भी लगाएं, हम तो जनता को चूतिया बनाएंगे तो ही व्यूज आएंगे, और व्यूज आएंगे तभी ना पैसा आएगा, इसलिए करना पड़ता है। ये बेरोजगार भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं करना मत करो कोई बात नहीं, लेकिन देखो भैया हमको करना पड़ता है ये सब, क्योंकि जब भी हम सुबह उठने जाते हैं मेरा बाप चार लात मार के हमको उठाता है, कहता है भोसड़ी के सड़ रहे हो बैठे बैठे, कुछ काम कर लो। तो हम यूट्यूब में बैठते हैं आके कि कुछ थोड़ी अपने चूतियापंती दिखा के लोगों को चूतिया बना के व्यूज ले जाके चैनल मोनिटाइज कर लें, हाँ तो पैसा कमा लें, तो बाप की लात खाते हैं तो भैया कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे तो चलेगा नहीं। चूतिया बना देते हैं यार, तुम भी तो बना रही हो ना, मतलब तुम कह रही हो कि कंट्रोवर्सी करके वो पैसा कमाना चाहता है, और तुम क्या कर रही हो। मैंने तुम लोग से एक पॉइंट याद करने को कहा था ना, ये वाला सबसे पहला चीज ओपन चैलेंज की, जो भी उनको रोस्ट करेगा वो उनके साथ कोलैब करेंगे, लाइक ही विल सिलेक्ट वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एंड ही वुड कोलैब विद दैट पर्सन। तो अब इससे अच्छा मौका मुझे तो नहीं मिल सकता। हाँ तो इससे अच्छा मौका इनको नहीं मिलेगा, मतलब इससे अच्छा मौका इनको अपना व्यूज बढ़ाने का नहीं मिलेगा। मतलब ये भी व्यूज के लिए ये सब कर रही है, ये भी व्यूज के लिए उसके ऊपर रोस्ट कर रही है कि व्यूज आ जाए इनके वीडियो में, लेकिन क्या अब यहाँ ज्ञान की बकचोदी फेल नहीं है, व्यूज नहीं, व्यूज के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। अरे वाह, ये आप लाइफ पे आके कहते कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं करता हूँ, हाँ भाई लगती है रोस्टिंग में मेहनत, मैं भी करती हूँ, थोड़ी मेहनत साड़ी मेहनत मजाक, क्या करूँ मैं मर जाऊँ, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी। गजब गजब गजब, नहीं आपने तो मतलब लिपस्टिक की माँ बहन एक कर दिया कसम से। आज पहली बार टिकटॉकरों में मुझको प्राउड हो रहा है कि मतलब कम से कम उनसे उम्मीद तो रहती है कि लिपस्टिक वो लोग अच्छी करेंगे, मतलब आपने तो बिल्कुल लिपस्टिक की माँ बहन कर दी। देखो वाने भैया, ये बेरोजगार की जो बात करी वो तो है ही है लंडमैन, जो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन एक बात सुनो वाने, ये देखो ज्ञान की बकचोदी तुम जो पेल रही हो ना, हमको पसंद नहीं आ रही। मतलब ठीक है लोग आजकल ज्ञान दे लेते, तुम भी तो ज्ञान ही दे रहे हो ना, वो भी ज्ञान दे रहा था, मतलब होता है ये आजकल, नॉर्मल सी बात है भाई, अगर गाली देनी आती है तो लेनी भी सीख ले, है ना। ये भी आपने बिल्कुल बात सही की, किसी को गाली दो तो गाली सुनने की क्षमता रखो। जो हमने अभी आपको कहीं वीडियो में गाली दे दिया, अपने आपको लगा उसको हमने आपको गाली दिया, तो भैया डांट फाड़ दो मेरी गाली देके, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या करूं मैं इतनी अच्छी रोस्टर हूं, तो क्या करूं। अरे नहीं मैं नहीं ये नहीं बोलना चाह रहा था, मतलब गलती से थोड़ी एडिटिंग में मिस्टेक हो गई है, पता नहीं कैसे वीडियो आ गया ये वाला, बट आ गया तो समझ सकते हो। क्या तुम इसको रोस्टिंग कहती हो? अगर भैया इसको रोस्टिंग कहते हैं ना भैया, तो इससे अच्छा ना हम वो विमल पान मसाला का एड देख लेते, उसमें जितनी हंसी आ जाती है ना, तो हमें इस रोस्टिंग में तुम्हारी नहीं आई कसम से, मतलब उसमें हमें ज्यादा मजा आती है विमल पान मसाला के एड में। बोलो जुबा केसरी, मतलब सुनकर ही एक फील आ जाता है, लेकिन तुम्हारे वीडियो मतलब तुम रोस्ट किसी का कर रही थी ऐसा लगा नहीं हमको, मतलब हो सकता है तुमने किया हो किसी का रोस्ट। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, ऑब्वियसली पता ही है क्या करना है, तो सीख गए हो, देख के निकल लोगे तो क्या कर सकते हैं। नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा बिना सब्सक्राइब किए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। मैं अगर वीडियो तुमने किया रोस्टिंग, बल्कि हम तुम्हारे ऊपर रोस्ट कर रहे हैं, तो
हम तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। लो मैं तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करता हूँ। देखो हमने किया तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब, अब तुम मेरा वीडियो देखोगे तो तुम्हारे फर्ज है कि तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, तो सब्सक्राइब कर देना। और साले तुम लोग भी अगर वीडियो देख के भाग लोगे ऐसे जैसे कि रॉकेट लग गया हो गाड़ में, साले सब्सक्राइब कर दो, तो एक एक घर में आऊंगा ना तो फिर फालतू का तुम लोग का परिवार बढ़ जाएगा और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तुम्हारे घर में। तो मतलब समझ रहे हो ना, मतलब सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और वानिश जी तुम्हारे लिए एक जानकारी देना चाहता हूँ कि भैया ये जो अपने वीडियो के नीचे वो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन देती हो ना और उसमें कॉमा दे दे के कीवर्ड डालती हो ना, वो सारे हटा दो, नहीं तो फालतू की मेहनत कर रही हो, चैनल जब मोनेटाइज में भेजोगी तो यूट्यूब मारेगा लात और कहेगा कि रीयूज कंटेंट या फिर टाइटल टैब डिस्क्रिप्शन ऐसा कुछ बहाना दे के तुम्हारा मोनेटाइज से हटा देगा। तो भैया ये जो कॉमा दे के कीवर्ड लगा रही हो ना तो ये मत लगाओ और जितने में लगाए हटा दो, नहीं तो फालतू का मोनेटाइज नहीं होगा। और मेरी बात में यकीन नहीं हो रहा तो मैं फॉलो करूंगा आपको, मैसेज करूंगा देख लेना, और एक वीडियो का मनोज दे के वीडियो का लिंक दूंगा देख लेना अपना भैया। और कहीं गलती से रोस्टिंग में मैंने आपको कुछ ज्यादा बोल दिया तो अगर आपको बुरा लगा हो तो लगा हो, उससे मेरे को क्या, अगर झांटे नोचने का मन हो मेरी तो नहीं नोच पाओगी क्योंकि अभी अभी बना के आया हूँ तो है नहीं झांटे, तो फिर नोच नहीं पाओगी है ना। तो बुरा लगा हो तो फिर उसको बुरा मत लगाना क्योंकि ये रोस्टर का काम होता है, तुम्हारा भी काम है, तुम भी मेरी गाड़ मानना चाहो तो बिल्कुल खुले आम मेरी खुली पड़ी है, जब भी आना गाँव मार के चली जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोले, और तुम लोग सालो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मतलब अभी यहाँ लगा लूंगा बड़े बड़े तो सारे सब्सक्राइब करोगे, मतलब अभी लगा लूंगा तो फिर ये भी कहने लगोगे तुम छक्का बन गए। अब भैया फिर तुम लोग लड़की के चैनल को धड़ाधड़ सब्सक्राइब करोगे और लड़के होने के बावजूद लड़के को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या करूंगा, मजबूरन लगाना पड़ेगा ना। तो अगर चाहते हो कि मैं ना बनूं तो भैया चैनल सब्सक्राइब करो, बेल की घंटी भी दबाओ, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।